हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिरामिडिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में पहला केस स्टडी वी हैव टेकन ऑन निफ्टी पिछले वीडियो में। नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टेक ऑन इन्वेस्टमेंट्स। पहला कंडीशन हमारा है देयर शुड बी ए साइडवेज मूवमेंट, और वहां से ब्रेकआउट हो तो हम पोजीशन बनाएंगे। तो ये एक देर वॉज फॉर फ्यू मंथ्स बजाज फाइनेंस का शेयर है जो बहुत समय तक एक रेंज में चला। एक रेंज में चलने के बाद उसका ब्रेकआउट हुआ। एट दैट ब्रेकआउट वी विल ट्राई टू मेक ए पोजिशन। उस चैनल के ब्रेकआउट के बाद भी जो लास्ट स्टॉप है, उस लास्ट स्टॉप के ऊपर जब चलेगा प्राइस, तो देन वी विल टेक ए बाय पोजिशन। ऑलराइट, ये एक चैनल है, चैनल नीचे को चल रहा है, उसका ब्रेकआउट आया, तब भी एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। पुराना जो टॉप है जहां से वो चैनल बन रहा है, उसके अगर ऊपर जाता है तो देन वी विल टेक ए बाय पोजीशन। अभी दैट इज 1948 पे बाय पोजीशन बनाई। बाय पोजीशन बनाने के बाद then we'll have a stop loss. सबसे पहले stop loss बनाना पड़ेगा। Let's walk out on the stop loss. 1948 का 5%, 5% will keep the stop loss. 1948, 5% delivery की position है, so I am taking 5% trading में, it should not be 5%. बहुत aggressive trading है, उसमें थोड़ा बड़ा हम रख सकते हैं stop loss, but अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं और उसमें फ्लक्चुएशन कम है, तो देन स्टॉप लॉस विल बी लोअर। यहां पे 5% का स्टॉप लॉस रखा। 5% का स्टॉप लॉस से कम करने के बाद, फ्रॉम बाइंग 1948 से 5% घटाने के बाद द वैल्यू विच इज बीन जनरेटेड, वहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेट्स मार्क दैट स्टॉप लॉस इज 1850 का स्टॉप लॉस है, 1846 स्टॉप लॉस है। लेट्स मार्क दिस विद सम अदर कलर, इसको ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं। दिस इज अवर स्टॉप लॉस, रेड कलर से वी हैव बॉट। नाउ फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द प्राइस स्टार्टेड मूविंग इन अवर फेवर। ये हमारे अपने फेवर में या उसी डायरेक्शन में हमने बाय किया है तो वो ऊपर जा रहा है, तो दैट इज इन अवर डायरेक्शन। तो अगर ये अपने ट्रेंड में जो हमारा व्यू पॉइंट है, जो हमारी पोजीशन है, उसी के साथ चलता है, तो वी विल इंक्रीज आवर पोजीशन। ऑलराइट, सबसे पहले आपका कहां पे फर्स्ट हमने जो बाइंग की है उसको मार्क कर लेते हैं। हेयर दैट यू हैव बाय हेयर, ये हमारा पहला दैट वी विल सेट दैट दिस इज बाय हेयर। ऑलराइट, दिस इज अवर फर्स्ट बाय, बेस बाय, ये ट्रिगर होने के बाद पहला बाय है, और इस बाय के बाद सेकंड बाय 5% का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो विल एड ऑन 10%, 10% अगर प्राइस ऊपर बढ़ता है तो विल एड अवर पोजीशन। 1948 का 10% विच विल बी 194 पॉइंट्स, तो टोटल इट विल बी 2142 पे विल मेक वन मोर पोजीशन। 2142 ये मेरी बाय पोजीशन है, ब्लू कलर स्टॉप लॉस के लिए दिया है, इसको वापस रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, ओके, हमारे पास एक बाय पोजीशन थी। मे बी आपने 5 की क्वांटिटी ली है, तो दिस टाइम यू विल टेक 3 की क्वांटिटी, तो आपके पास 8 की क्वांटिटी इज बीन बिल्ड अप नाउ। इसका 5% जहां पे हमने सेकंड बाइंग किया, इसका 5% कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको लेस कर देते हैं 2142 में से, दैट कम्स 2035। तो जो मेरा स्टॉप लॉस है इसको बढ़ाकर 2035 पे इसको ले आते हैं। 2035 दैट इज योर स्टॉप लॉस नाउ। ऑलराइट, आपने ये बाय किया था पहला। दूसरा आपका जो बाय पॉइंट है, वो बाय पॉइंट इज ऑन द सेकेंड रेड लाइन, इसके ऊपर, ये दिस इज द पॉइंट, यहां से ऊपर आपने बाय किया। ऑलराइट, ये बाय पोजीशन इज दिस वन। ऑलराइट, इसके बाद अब मेरा स्टॉप लॉस है ब्लू कलर का, दैट इज योर स्टॉप लॉस। उसके बाद प्राइस अगेन मूव्स इन योर फेवर, फिर दोबारा ये अपने फेवर में गया, तो देन वी विल अगेन
buy will take more position, will increase our quantity. If it moves by 10% more, 10% और ऊपर जाते हैं तो विल बाय मोर. अभी 2142 का 10% स्टॉप लॉस तो वी हैव डन. ओके, स्टॉप लॉस तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ओके, नाउ इसका 10% वो ऐड कर लेते हैं. 2142 का 10% 214, 214 इसमें ऐड कर देते हैं, देन इट कम्स 2357. 2357 पे वी विल बाय मोर. 2357 दिस इज द वन, यहां पे वी विल बाय मोर. अब अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो नीचे से चल रहा है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं. 2357 का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं. 2357 माइनस 5% ऑफ 2357, तो दैट कम्स 2239 और 2239. ओके, आप 2239 पे इसको ड्रैग करते हुए स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाते हैं. ओके, अभी तक इस बार भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ. प्राइस बाय करने के बाद प्राइस वहां तक गिरा ही नहीं, कंटिन्यूअसली प्राइस और ऊपर जाता चला गया. ऑल राइट, नाउ योर बाय पॉइंट इज, दिस इज योर बाय पॉइंट. ओके, आपका बाय करने के बाद ये आपका जो स्टॉप लॉस है, दिस इज ए ब्लू लाइन, 2217, जो अभी तक हुआ नहीं. ऑल राइट, ओके. नाउ अगर नाउ इट इज 2367 जहां पे बाइंग हुई है, इसमें 10% और अगर प्राइस बढ़ता है तो वी विल बाय मोर, देन वी विल एड अवर क्वांटिटी. अभी तीन बार लिए, पांच बार तक वी कैन इंक्रीज द पोजीशन. पहले हमने अगर पांच क्वांटिटी ली, फिर तीन ली, अब दो ली, तो हमारी अब टोटल क्वांटिटी इज 10. ऑल राइट, इसके ऊपर देन वी कैन हैव वन मोर क्वांटिटी. विल एड 10% मोर ऑन 2357. 2357 पे 10% ऐड किया, दैट कम्स 2592. 2592 जाने पर वी विल एड वन मोर क्वांटिटी एंड हियर दिस इज 2590. ओके, 95. ऑल राइट, हेयर यू वी विल बाय मोर, दिस विल बी अवर क्वांटिटी. पहले अगर पांच लिया, तीन लिया, दो लिया, अभी एक और क्वांटिटी ऐड की, एक और ऊपर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या वी विल डू 5432 एंड वन मोर ऑन अबव दैट. अगर हमने पांच चार तीन दो लिए तो हमारा टोटल क्वांटिटी हो गया 13. नाउ 5432, 5 5 10, 13. नाउ वी हैव 13 क्वांटिटी. ऑल राइट, इसका स्टॉप लॉस 5%, 2592 या 93 से 5% नीचे डिडक्ट कर देते हैं, दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस एंड दैट इज 2463. दैट इज 2463. अपना ब्लू लाइन को ड्रैग करते हुए विल टेक इट अप. बिफोर दैट ओके, देन वी मूव दिस टू स्टॉप लॉस. बाइंग करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा अभी भी नहीं हुआ. फर्स्ट बाइंग 1948 पे की थी, अभी स्टॉप लॉस बढ़ते हुए आ गया 2455 पे, अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो इट मींस व्हाट. और उसके बाद भी प्राइस हैज मूव्ड अप, तो अपना टू जो हमारा जो लेटेस्ट हमने बाइंग की है, दैट इज एट 2592. 2592 पे अगर 10% और बढ़ता है, वी विल एड मोर. ऑल राइट, इट हैज मूव्ड अप. इसका 10% कैलकुलेट किया तो दैट हैज कम 2592 का प्लस 2952 का 10%, विच इज 260 रुपीज. विल एड ऑन अवर क्वांटिटी, दैट कम्स 2852. 2852 पे जाने के बाद विल बाय मोर, दिस इज अवर लास्ट बाइंग. इसके ऊपर वी विल फाइंड द सेल ओनली, वी विल नॉट एड एनी पोजिशन.
अब हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा ऊपर, लेकिन और ऊपर की क्वांटिटी में वी विल नॉट इनिशिएट एनी बाय। ऑल राइट, ओके,